क्लास 10th ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, कुछ लोग के मिड टर्म्स हो रहे होंगे, कुछ लोग के मिड टर्म्स हो चुके होंगे एंड छुट्टियां चल रही होंगी एंड आगे का काम शुरू हो गया होगा। सो इफ यू फॉल इन एनी ऑफ द कैटेगरी के तुम्हारी क्लास 10th में चल रहे हो, अच्छी जा रही है, बुरी जा रही है, कुछ पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, एनीथिंग, दीज आर द फ्यू थिंग्स तुम्हें पता होनी चाहिए विच विल हेल्प यू नेविगेट योर क्लास 10th जर्नी स्मूथली एंड एफिशिएंटली। हेलो एवरीवन, मैं कौशल, वेलकम बैक टू लिसनिंग अनदर वे। आज कल हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th को जो शुरुआत है वो कैसे एक प्रॉपर तरीके से की जाए, कैसे पूरा साल हमें क्या क्या काम करने, कैसे पढ़ना है, क्या क्या बाकी चीज़ें करनी है कि एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट निकल आ पाए। ठीक है कि मिड टर्म्स को निगलेक्ट नहीं करना, मिड टर्म्स इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी क्लास 10th में सोचता था इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब मैंने रिफ्लेक्ट करके देखा 10th में भी, 12th में भी, 11th में भी, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार उन्होंने हेल्प ही करी है, कहीं नुकसान नहीं किया। नुकसान कर सकते हैं जब तुम्हें लगे कि वो ही सब कुछ है, तुम्हें लगे कि उसके मार्क्स इज इक्वल टू बोर्ड के मार्क्स, उसके मार्क्स बहुत मैटर करते, कहीं नहीं मैटर करते। तुम्हें बता दो जो वो है ना, सिर्फ तुम्हारा स्टडी स्टाइल देखने को है। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जितनी हमें डेडलाइन में हम अच्छे से काम कर पाते ना, उतना हम कहीं भी पूरा साल नहीं कर पाते। अगर हमें पता है कि एक दिन बाद एग्जाम है तो हम अच्छे से पढ़ेंगे रादर देन एक महीने बाद एग्जाम। एक महीने में तुम इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे जितना एक दिन में कर लोगे। तुम्हें पता होगा हाँ भैया 10 घंटे 10 दिन में सबसे एफिशिएंटली मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, तो तुम्हें वो तरीका ढूंढना है। तो स्टडी स्टाइल अपना जब तुम्हें पता लग गया तो तुम्हारी बहुत चीज़ें हेल्प हो जाएंगी। इनफैक्ट जो मैंने 10th में चीज़ें सीखी थी अपने बारे में वो मुझे 12th में बहुत हेल्प करी। नंबर 2, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी क्वांटिटी ऑफ सिलेबस। ठीक है, तुम्हारा जितना सिलेबस हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता। कई बच्चे मेरे क्लास में होते थे, ठीक है, वो पूरे एक दिन पहले ना एग्जाम से मिड टर्म्स वगैरह में पूरा सिलेबस करके आते थे जितना आना होता था। मैंने कभी नहीं किया, मतलब किया है ऐसी बात नहीं कि कभी नहीं किया, बट 9th तक किया। 10th में मैंने क्या चीज़ अपनाई कि चाहे मैं 10 चैप्टर आ रहे हैं, मैं सिर्फ 3 चैप्टर करके जाऊंगा, पर वो 3 चैप्टर अच्छे से करके जाऊंगा। अगर साल में 4 बार भी एग्जाम होने हैं ना मिड टर्म्स वगैरह के हिसाब से, जैसे बीच में जो एग्जाम होते हैं, तो वो 4 बार प्री बोर्ड्स वगैरह सब मिला के 4 बार में अगर 2-2 चैप्टर भी करोगे तो तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाएगा अगर उन्हें अच्छे से कर लोगे। ऐसा नहीं कि रिविजन नहीं करनी पड़ेगी, हो सकता है करनी पड़े डेफिनेटली, लेकिन जो कॉन्सेप्ट एक बार बन गया वो तुम्हें जिंदगी भर हेल्प करेगा, वो तुम्हें काफ़ी देर तक हेल्प करेगा। नंबर 3, विजडम इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज बट इट विल ओनली कम व्हेन यू विल अक्वायर नॉलेज। भैया ये पैराडॉक्स क्या है? देखो क्या बात होती है ना कि हमें लगता है कि हम सब कुछ सीख लें, सब कुछ सीख लें, सब कुछ सीखना नहीं होता। दुनिया में बहुत फैक्ट्स है, तुम यूट्यूब पे तुम्हें देखना पसंद होगा कि फैक्ट्स जान लें जितने भी हैं, वो सुन के मजा आता है, लेकिन वो चीज़ें याद नहीं रहती। अगर याद रह भी जाए तो उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें ये लगता है यूपीएससी में इतना सिलेबस ज़्यादा इसलिए है कि लाइक नॉलेज तुम्हारी टेस्ट करनी हो, तुम्हारी ग्राउंड रियलिटी में जो काम होता है उससे तुम्हारी नॉलेज चेक करने के लिए कि तुम्हारे पास सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, सारे करंट अफेयर्स का ज्ञान होना चाहिए। नहीं, नॉलेज की तो बात ही नहीं है, नॉलेज तो भूल जाओगे, एग्जाम दोगे अगले दिन भूल जाओगे। यूपीएससी क्या टेस्ट करता है इतना वास्ट सिलेबस देने के बाद? इट टेस्ट के तुम्हारे पास एंड्योरेंस कितनी है, तुम विजडम कितनी ले पाते हो, तुम जितनी चीज़ें सीख रहे हो क्या तुम्हें उससे फर्क पड़ रहा है, क्या तुम जो करंट अफेयर्स तुम देखते हो इससे क्या क्या चीज़ें सीख पाते हो, अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर पाते हो, दैट इज़ वॉट मैटर्स। क्या तुम इतना सिलेबस देख के घबरा जाते हो या फिर उसे अच्छे से हैंडल करते हो, दैट इज़ द विजडम। नॉलेज टेस्ट होती है एक लेवल तक, लेकिन जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे जाना हो तो नॉलेज नहीं विजडम काम आती है। नंबर 4, योर माइंड इज अ टूल एंड यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू शार्पन इट। पता क्या है, हम ना क्रिप करते हैं बहुत ज़्यादा। मैं अपनी क्लास 10 में करता था, यार ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लाइफ में काम आनी है, ये चीज़ कहाँ काम आनी है। मैथ तो मुझे, मैथ पर्सनली इतनी वो नहीं लगती थी 10th में, ठीक है, उसके बाद अच्छी लगने लगी, बट उस टाइम पे मैंने कहा यार क्यों है ये सब चीज़ें जो बिल्कुल थ्योरी लगती थी कि कहीं काम ही नहीं आनी, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम नहीं आएगी, ठीक है। बट फिर मैंने एक चीज़, एक अप्रोच अपनाई, अपने दिमाग को बोला कि यार अपने दिमाग को ना एक टूल बना के समझो कि यार ये जो दिमाग है ना ये इट्स जस्ट अ टूल, और बाकी इसी टूल की तरह इसको मैंने शार्पन करना है। वो कैसे करेंगे? इसमें नॉलेज फीड करके, इसमें चीज़ें सीख के। तो ये जो थियोरेटिकल चीज़ें होती है ना, ये तुम्हारे माइंड को शार्प करने के लिए होती है। देखो एक एज के बाद ना लोग नई चीज़ें सीख नहीं पाते, बिकॉज जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं वो वायर्ड इस तरीके से हो जाते हैं। लेकिन अभी इट्स नॉट, अभी हम नई चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है, एंड वी शुड लर्न इट। तो कभी भी अपने आप को कंस्ट्रेंट नहीं करना कि बस यही करना वही करना, अपने दिमाग को खोलो, इसको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका दो। नॉट बिकॉज कि तुमने उन हर चीज़ में करियर बनाना है, नॉट बिकॉज उस हर फील्ड में तुम्हें मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई होगा ही, बट जस्ट फॉर दिस के यार तुम्हारे दिमाग एक टूल है, एक लाइक काम करने वाला औजार है, एंड अगर तुम्हें उसे शार्पन करना है तो उससे काम करवाते रहना पड़ेगा। तो उससे काम कैसे करवाते रहना पड़ेगा? जैसे तुम्हारी कार या तुम्हारी एक्टिवा काफ़ी दिन तक खड़ी रह जाए खराब हो जाएगी, लेकिन हम उसे चलाते रहते हैं, तो हमारे दिमाग को चलाते रहो कोई यूजफुल चीज़ में, गॉसिप्स वगैरह में नहीं ऑब्वियसली, बट कोई नई चीज़ें सीखते रहो। नंबर 5, क्लास 10th में ना हमें बहुत फोमो होगा। मुझे बहुत हुआ था लिटरली, अपने दोस्तों को देखकर, यूट्यूबर्स को देखकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखकर कि यार मेरी एज के 10th क्लास के या 9th क्लास के, मतलब सेम एज ग्रुप के बच्चे इतना कुछ कर रहे हैं लाइफ में और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मुझे
अप्रोप्रिएट कंडीशंस नहीं मिली मुझे, गलत सिचुएशंस हैंडल की गई हैं, मैं उतना लाइक ब्रेनी नहीं हूँ, मेरा आईक्यू कम है, बहुत चीज़ें हमें लगेंगी, हम कंपेयर करेंगे कॉन्स्टेंटली, ये होता है। लेकिन अब मेन चीज़ क्या है ना, फोकस ऑन योरसेल्फ, अपने बाकियों को नहीं देखना, हमने खुद को देखना। सेम अप्लाइज टू योर रिलेशनशिप थिंग्स, तुम्हें लगेगा क्लास में कि यार सब लोग तो हैं, मैं क्यों नहीं हूँ, बट इट डजंट मीन कि अगर सब लोग कर रहे हैं यू शुड डू इट टू, ठीक है। इन चीज़ों में डू नॉट फॉलो द क्राउड, यू डू नॉट नीड टू। लाइफ में ऐसा नहीं है कि कोई एक दो बच्चे होते हैं जिनको अपना पर्पस पता होता है, जिसको कुछ पता होता है कि लाइफ में क्या करना है, बाकी किसी को कुछ नहीं, धुंधले होते हैं भाई, कॉमर्स लेके, साइंस लेके, ह्यूमैनिटीज ले, भाई देख लो यार तू कहाँ जा रहा, चलो वहाँ बैठ चले जाते, कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो अपना चीज़ को एक्सप्लोर करना इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन फिक्सेटिंग ऑन अ थिंग कि हम यही करेंगे लाइफ में, हमें नहीं पता हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हर चीज़ जो तुम्हें पसंद है डजंट नेसेसरली मीन कि तुम्हें उसे प्रोफेशन बनाना है, बट उसे एक्सप्लोर करना इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू शुड डू इट। एंड लास्टली इन्जॉय योर क्लास टेंथ। मुझे ना क्लास टेंथ के बाहर निकलने के बाद पता लगा कि यार इट वॉज सो गुड, कितना मज़ा आया और कितना मज़ा आ सकता था अगर मैं अपने आप को रोकता नहीं, अपने आप को एक मज़े करने देता। अब मज़े करना ऐसा नहीं है कि यार मतलब बिल्कुल ही बदमाश हो गए, बिल्कुल ही रोग हो गए, अपने घर वालों के साथ रह रहकर, ठीक है, एक लिमिट में मज़े करना सीखो। स्कूल ट्रिप्स पे जाओ, स्कूल की मस्तियाँ करो, रिसेस में जो लोग पागलपंतियाँ बच्चे कर रहे हैं करो थोड़ा बहुत, ठीक है, मज़े करना सीखो। अपनी क्लास टेंथ जब खत्म हुई थी ना, तो मैंने एक चीज़ अपने क्लासमेट्स के सामने बोली थी कि ये बोर्ड्स क्या चीज़ है ना, ये क्लास टेंथ क्या चीज़ है। जब आए थे तो डरा दिया था, अब जब जा रहे हैं, जब बोर्ड्स ख़त्म हो रहे हैं तो रुला के जा रहे हैं, जब आए तो डरा दिया, जब जा रहे हैं तो रुला दिया, मतलब कि पहले तो डर गए, जब पर ख़त्म हुए तो हमें पता लगा यही तो चीज़ थी, यही तो मेमोरीज थी, यही तो चीज़ें थी। काफ़ी लोग तुम्हारे से अलग हो जाएंगे क्लास टेंथ के बाद, बट जितना टाइम है यू शुड सेव इट, ठीक है, यू शुड एंजॉय इट। एंड इनफैक्ट एक कोट है, एक ना पैराग्राफ है जो मैंने पढ़ा था, आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, एक छोटा सा पैराग्राफ है। ये बुक एक नाइकी के फाउंडर ने लिखी है, इट्स ट्रू डॉग, ठीक है। तो एक वो रनर रहे थे काफ़ी लाइफ अपनी, ठीक है, यंग में, ठीक है। तो उनके आप अपने ड्रीम्स और अपनी चीज़ों के बारे में सिचुएशन में इसको अडाप्ट करके देखना, इट्स नॉट अबाउट रनिंग, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट रनिंग। फॉर दैट मैटर फ्यू आइडियाज आर एज क्रेजी एज माई फेवरेट थिंग रनिंग। इट्स हार्ड, इट्स पेनफुल, इट्स रिस्की, द रिवॉर्ड्स आर फ्यू एंड फार फ्रॉम गारंटी। व्हेन यू रन अराउंड ओवर एन ओल्ड ओवल ट्रैक or down an empty road, you have no real destination. At least, none that can fully justify the effort. The act itself becomes the destination. It's not just that there's no finish line, it's that you define the finish line. Whatever pleasures or gain you derive from the act of running, you must find them within. It's all in how you frame it, how you sell it to yourself. क्या मतलब? देखो बात ऐसी है कि जैसे इन्होंने बोला, इट्स नॉट कि तुम्हें कोई चीज़ करने के बाद जो चीज़ मिलेगी उस रिजल्ट में तुम खुश होना चाहिए। तुम पढ़ो क्योंकि तुम्हारे मार्क्स आए, क्योंकि तुम पढ़ो ताकि तुम्हारे मार्क्स आए, ठीक है, तुम बोर्ड में अच्छा कर पाओ, मार्क्स अच्छे आएंगे, घर वाले खुश होंगे, ये वो सब चीज़ें भी ज़रूरी है, वो सब चीज़ों में भी मज़ा आता है, बट यू शुड स्टडी क्योंकि तुम्हें पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो यू शुड डू अ पर्टिकुलर थिंग क्योंकि तुम्हें वो चीज़ करने में मज़ा आ रहा है, नॉट बिकॉज के उसके बाद रिवॉर्ड बहुत तगड़ा होगा, बट जो भी काम कर रहे हो उसको दिमाग में ऐसा बना लो कि भाई मैं काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काम करने में मजा आ रहा है, मे भी नहीं आता। एक ऐसे सर्कल पे भागते रहो यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन नहीं है, तो जो जर्नी है ना वही डेस्टिनेशन बन जाती है, जो काम है ना वही उस काम का रिवॉर्ड बन जाता है। जो भी चीज़ है तुम्हारी लाइफ में उसे इस पर अप्लाई करो एंड यू विल सी हाउ वंडरफुल दिस इज। This is Shubham Kaushal signing off, and बाकी एक छोटा सा अपडेट कि अगर तुम्हें क्लास 10 पढ़नी है तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल।